इंदौर से खबर मिल रही है, दो पक्षों के बीच पथराव की खबर है। छत्रीपुरा इलाके में पटाखे फोड़ने पर पथराव किया गया। पथराव के बाद जमकर तोड़फोड़ की गई। इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इंदौर में दो पक्षों के बीच पथराव होता है। छत्रीपुरा इलाके में पटाखे फोड़ने पर बवाल हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, बवाल के वक्त की तस्वीरें हैं। किस तरीके से पुलिस मौके पर पहुंची, जानकारी मिलने के बाद दो पक्षों के बीच पथराव होता है। ये तस्वीरें आप देखिए, छत्रीपुरा इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां पटाखे फोड़ने पर पथराव की घटना सामने आई। और ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से लाठी डंडे लेकर लोग सड़कों पर उतर आए, पथराव किया गया। और उसके बाद जैसे ही जानकारी लगी उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस लाठीचार्ज तक करती हुई नजर आ रही है। और पुलिस को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि दोनों तरफ से पथराव हो रहा था। इंदौर में दो पक्षों के बीच पथराव हुआ। कुछ बच्चे और कुछ लोग पटाखे चला रहे थे और पटाखे चलाने के दौरान ही कुछ आपस में दो अलग अलग समुदाय के जो पड़ोसी हैं, आपस में पड़ोसी भी हैं, उनके बीच में पहले मुँहवाद हुआ। उसके बाद थोड़ा इशू हुआ है। दो तीन पांच घरों के जो लोग बाग इकट्ठे हुए हैं उनके बीच में विवाद हुआ है। किसी दो चार को चोट भी लगी, उनको हम मेडिकल करवा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में हमारा एरिया डोमिनेशन हो गया, सभी जगह फोर्स लगी हुई है। सभी थाना प्रभारी और हमारे एडिशनल जो एसपी हैं, मैं स्वयं, पूरे क्षेत्र को हमने एरिया डोमिनेशन में ले लिया है। अभी शांति है, किसी भी तरीके की कोई कहीं पे कोई विवाद की स्थिति नहीं है। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता जय व्यास का रुख करेंगे। जय, क्या जानकारी है आपके पास, वजह क्या थी पटाखे फोड़ने को लेकर, आखिर किस तरीके से दोनों पक्षों में बातचीत हुई और यहाँ तक नौबत आ गई कि पथराव करना पड़ा? जी सूर्या, बताना चाहूंगा, जो टाटपट्टी बासल जो इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका है और कई साल पहले वहां पर अक्सर फसाद होते आ रहे थे और काफी दिनों से शांति बनी हुई थी। लेकिन कल रात जब पटाखे चलाने की बात को लेकर के अड़ोसी पड़ोसी दो समुदाय के लोग थे, अलग अलग समुदाय के, तो उनमें बच्चों में जब पटाखे चलाने की बात थी उसमें बड़े भी शामिल हो गए झगड़े में और झगड़ा बढ़ गया। दोनों तरफ के पांच सात परिवार शामिल हो गए और इसी तरह से एक भीड़ ने हुजूम ने विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और कुछ लोगों ने आपस में पथराव भी कर दिया, जिसके चलते पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और फिलहाल वहां पर शांति की स्थिति बनी हुई है। और छोटी से बच्चों की बात से शुरू होकर के एक बड़े उन्माद में परिवर्तित हो गया था, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से उस पर नियंत्रण कर लिया गया, फिलहाल वहां शांति कायम है। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जय, तमाम जानकारी के लिए।